आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान के इलाके कोटला तोले खान का रिहायशी एजाज और उसकी अहलिया अपने साथ होने वाले जुल्म की रावदाद ली गई तो रोही के दफ्तर पहुंच गए। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगी सुहेरा तारी। जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाके कोटला तोले खान की रिहायशी फरत एजाज जो है वो अपने साथ होने वाले जुल्म की रुदात बयान करने रोही के दफ्तर पहुंची है। और मकान कुछ अरसा कबल इन्होंने किराए पर दिया था, मगर उन किराएदारों ने नाजायज कब्जा करते हुए इनका मकान जो है वो किसी और को बेच डाला है। और अब फरत और इसका शोहर और इसके घर वाले जो हैं वो घर से बेघर हैं, अपना घर होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इनसे मजीद बात करेंगे। हमने किराए पर दिया था तो साथ वाला था रफी खरल, उसको दिया। उसने जब हम किराया लेने गए ना तो वो उसने कहा भाई कौन सा मकान, ये तो मेरा है। फिर मैंने कचहरी में अदालत में गई, उन्होंने PT1 और नोटिस वगैरह भेजे हैं, उसने आगे वकील को बेच दिया है। उसने आगे वकील को बेचा है, वकील के पास भी नोटिस गए तो उसने एक मरले की रजिस्ट्री जेली बनवा के अपनी बेगम सुरैया के नाम करके ना उसने आगे बेच दिया। आपने पुलिस वगैरह को बताया है? जी, हमने वजीर आजम साहब को एप्लीकेशन दी तो वजीर आजम साहब ने थाना पुराने कोतवाली में हमारी कंप्लेन जब पहुंचाई, हमें वहां पे बुलाया गया। तो जैसे हम वहां पे पहुंचे तो बड़े बड़े ऑफिसरों के MPA MNA सब लोग कब्जा माफिया की सपोर्ट करने वाले थे। तो हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी रिक्वेस्ट है बड़े ऑफिसरों से, वजीर आजम साहब से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। फरत और इसका शोहर जो है वो आज रोही के दफ्तर पहुंचे और इनका यही कहना है कि थाना किया जाए। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बता